हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुजय इन्फोटेक में। मैं हूं सुजय और आज के इस वीडियो में हम लोग पिक्सेल लैब के ट्यूटोरियल को सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेंगे, उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाएं। चलिए सीखते हैं कि पिक्सेल लैब में कैसे भी किसी भी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, यह प्ले स्टोर पर फ्री एप्लीकेशन है। इसे डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको इसे टाइप करके ओपन करना होगा। आप हमारी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब देख सकते हैं जैसे ही हमने टाइप किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह के बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ बैकग्राउंड बना हुआ आया और यहाँ पर कुछ फिल्टर्स वगैरह में बैकग्राउंड देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स सेटिंग्स दिए गए हैं, इन सभी को बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह जो बैकग्राउंड है जिस पर हमें किसी भी इमेज को एडिट करना है इसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड दिए गए हैं अनेक साइजोज में। आप चाहें तो इस बैकग्राउंड पर भी कोई भी फ़ोटोज़ को, कोई भी थंबनेल को, किसी भी प्रकार के इमेज को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो बैकग्राउंड है इसका जो साइज़ हम अलग करें, कलर अलग करें, तो इसके लिए सिंपल आपको इस थ्री डॉट जो कॉर्नर है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है इमेज साइज़ की, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपल आपको इस इमेज साइज़ पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप अपने इमेज की जो साइज़ है उसे कस्टम कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पर एक आपको कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ की इमेजेस बनानी है, जैसा कि फेसबुक के लिए बनाना है या यूट्यूब के लिए बनाना है या गूगल के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर यूट्यूब का थंबनेल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका रेशियो होता है, आप देख सकते हैं 1280x720 रेशियो में। तो सिंपल हम इसे ओके करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है अब YouTube का थंबनेल के साइज़ में आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी कलर को चेंज करें तो सिंपल आप यहाँ पर टाइप करें लेयर वाली ऑप्शन पर। इस पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कलर का, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर पर यहाँ क्लिक करें और यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना खुद का कलर बनाएं तो इस प्लस पर क्लिक करके आप खुद से अपना कलर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी कलर आप बनाना चाहें। उसके बाद सिंपल ओके पर क्लिक करें तो आपकी जो कलर आपने बनाइएगा वो आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेडियंट डालें, यानी कि दो कलरों को मिक्स करके डालें, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पर पहले से भी कुछ बाई डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट है, अगर आप चाहते हैं खुद से बनाना तो यहाँ से आप बना भी सकते हैं अपने इच्छा अनुसार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर बना करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, और जितना डीप जितना गहरा चाहिए उस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बना लें और सिंपल ओके पर करें, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस वाला बैकग्राउंड मिल जाता है। ये तो रहा आपको बैकग्राउंड बनाने का तरीका, आप पिक्सेल लैब में बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आती है इस पर एडिट करने की, यानी कि कोई भी अगर आप इस पर एडिट करेंगे, कुछ भी टेक्स्ट डालेंगे, फोटोज डालेंगे तो कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको टेक्स्ट डालने के लिए। टेक्स्ट डालने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना होगा, फिन वाली बटन पर, और इस टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर कुछ भी टाइप करना होगा। चलिए हम यहाँ कुछ टाइप कर देते हैं, हम इसे बैक कर देते हैं, अपना चैनल का नाम ही लिखते हैं। SUJAY स्पेस INFOTECH हमने लिखा सुजय इन्फोटेक और सिंपल यहाँ हम डन पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से आपको जो भी टेक्स्ट डालनी है वो आप यहां से डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो पूरा लेटर हो कैपिटल लेटर हो तो इस पर क्लिक करें, आपका जो जो भी लेटर है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको यहां पर ओके पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह लिखा कर आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसकी जो साइज़ है बढ़ाना तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें इसकी जो कलर है उसे चेंज करना तो सिंपल इस टेक्स्ट लेयर पर जाए और ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाती है कलर का, यहाँ से आप इसे जो भी कलर में चाहे उस कलर में रख सकते हैं। यहाँ से अपना खुद का कलर बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं। और उसके पहले आपको बता दें कि इसको फंट में भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि फंट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं, ये भी करके इस पर क्लिक करना होगा आपको।
और आपको यहाँ पर फॉन्ट बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि इस एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट पहले से दिया हुआ रहता है। अगर आप चाहें तो माई फॉन्ट में जा कर के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको खुद का फॉन्ट इसमें डालना होगा। हमने पहले से ये सारी फॉन्टें डाल रखा है। चलिए हम यहाँ से एक ये बोल्ड फॉन्ट है टेको बोल्ड, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ये फॉन्ट में आ जाता है और हम इसे एडिट कर सकते हैं। इसी में आपको इस टेक्स्ट टूल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और सारे जो ऑप्शन है, इटालिक अगर आप चाहते हैं तो आप इसके जो इटालिक है वो कर सकते हैं, इसकी साइज़ को लेफ्ट राइट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर नीचे और सारे टूल्स मिल जाते हैं मास्क का। अब अपनी लेटर में जो कट ऑफ की मास्क होती है वो आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। सिंपल आपको पहले यहाँ इनेबल करना होगा, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से क्रॉप करके मास्क बन जा रहा है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। फिलहाल हम ये ऑप्शन को नहीं यूज करेंगे, आपको बता रहे हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इसी में आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कर्व का, आप अपने जो टेक्स्ट डाला है उसे कर्व कर सकते हैं, यहाँ से जिस एंगल पर चाहे जिस तरीके से चाहे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से कर्व कर पा रहे हैं। इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जाकर के अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं इस टूल्स की सहायता से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप शेडो दे सकते हैं अपने टेक्स्ट में, इसे इनेबल करना होगा। शेडो का यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और सिंपल ओके पर क्लिक करें, आपकी जो शेडो होगी कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ से शेडो की ऑपेसिटी को आप बढ़ा घटा सकते हैं, ब्लर भी कर सकते हैं, इनहेंस अगर आप देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और सारे जो ऑप्शन हैं उसको भी आप यूज करके अपने जो भी टेक्स्ट है उसमें एक बेमिसाल व्यू ला सकते हैं अच्छे तरीके से, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद सिंपल आपको स्टिक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप इसको इस टूल का यूज़ करके कुछ अच्छे तरीके से आप अपने जो भी टेक्स्ट है उसमें अच्छा लुक ला सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप जितना यूज कीजिएगा इसे उतना ही आप इसे डीपली समझ पाएगा। अगर खुद से आप यूज़ करते हैं 3D दे सकते हैं अपने टेक्स्ट में, यहाँ पर देख पा रहे हैं अब ये जो फॉन्ट्स हैं जो भी लेटर्स हैं वो 3D में देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं अपने टेक्स्ट को। उसके बाद आप इसकी जो पाथ है उसे भी यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, कलर भी चाहे तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल ओके पर क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ पर और बहुत सारे जो टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इस फोटोज़ को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3D शैडो मिल जाता है जो कि आपको इनेबल करने पर आपके जो भी टेक्स्ट है उसके नीचे ये शैडो बन करके आती है। कुछ इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाता है ये एक शेप वाली आकार का, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने इमेजेज हैं उसको आप अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा इमेज अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो कोई सा भी शेप ले सकते हैं, जैसा कि हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे शेप देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करके खुद का शेप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारे शेप दिए गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे भी आप ले सकते हैं, यानी कि जिस तरह के शेप की आपको ज़रूरत पड़े वो आप ले सकते हैं। शेप में कुछ यहाँ बनावटी दी गए हैं उसे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से शेप का कलर चेंज कर सकते हैं और सारे यहाँ पर जो ऑप्शन है उसका यूज करके आप एक अच्छे तरीके का फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को आपको मिल जा रहा है जिससे आप आसानी पूर्वक से एडिट कर सकते हैं, यानी शेप को किस साइज में किस दिशा में आप किधर रखना चाहते हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं शेप को केवल। और उसके बाद आ जाता है यहाँ एक लेयर का ऑप्शन, इस लेयर के माध्यम से आप अपने इमेज में कोई भी फोटोज लेयर में कुछ भी टेक्स्ट भी डाल सकते हैं कैमरा से डायरेक्ट ले करके अपने इमेज से। उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर टॉप में टूल्स दिए गए हैं इसे आप बैक जा सकते हैं एक स्टेप,
उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर हम इसे पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको ग्रिड लाइन का, इस पर आप क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट में लाइनिंग दे सकते हैं केवल एडिट के लिए, ताकि आप कोई भी फॉर्मेट को एडिट करें तो उस स्थान से या इधर उधर ना घस के। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है लेयर का ऑप्शन, यानी कि जो भी आपने लेयर पर काम किया होगा वहाँ से दिख जाएगा। आप यहाँ से अपने लेयर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिल जाता है, प्लस पर क्लिक करके आप कोई सा भी टेक्स्ट या करेंट डेट या स्टिकर शेप या कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी आप गैलरी ड्रॉ करना चाहें तो वो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ कुछ ड्रॉ किया, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे बैक कर देते हैं, ओके पर क्लिक किए। उसके बाद यहाँ आता है सेव का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। और इस थ्री डॉट जो है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, फुल स्क्रीन में आप इसे देख सकते हैं। यूज इमेज फ्रॉम कैमरा से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप कंटेक्ट और रिपोर्ट बग अगर कुछ आ रहा है इसमें तो आप देख सकते हैं। ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसकी जो साइट्स है उसकी ट्यूटोरियल देख सकते हैं। यहाँ से इसके रिमूव ऐड करके आप इसमें जो भी ऐड दिए गए हैं उसे रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके आप ग्रिड को हटा भी सकते हैं, और सिंपल जैसे ही आपका फ़ोटोज बन जाए तो आप इस सेव पर क्लिक करें और सेव एज इमेज पर क्लिक करें। सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्वालिटी में जाना है, और यहाँ से सॉरी यहाँ जो क्वालिटी के नीचे कस्टम दिया इस पर जाना है, और आपको यहाँ पर अल्ट्रा पर क्लिक करके अपने इमेज को यहाँ से सेव टू गैलरी पर क्लिक करके सेव कर लेना है। इस तरीके से आपके जो इमेज हैं वो आपके गैलरी में हाई क्वालिटी में सेव हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप यह ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। उसके पहले आपको बता दें कि आप खुद से इसमें एडिट कीजिएगा तो कुछ परेशानियाँ होगी, और जैसे जैसे परेशानियाँ होती जाएगी उतना ही आप सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे इस वीडियो देखने के बाद आप इसे खुद से अपने से एडिट करें, सीखें, इसमें कुछ फ़ोटोज़ को बनाएं, उसके बाद आप इसे आसानी पूर्वक यूज कर पाएंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।